हेलो दोस्तों, मैं राजेश एसएम क्लास यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे क्रमचय संचय। आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा, यदि नहीं देखा तो आप आज ही प्लेलिस्ट में जाइए और उसे कंप्लीट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आइए, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट फर्स्ट पार्ट से लिंक है। जिस फर्स्ट पार्ट पे आपने देखा था क्रमचय, क्रमचय मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाए, अरेंजमेंट का ध्यान रखा जाता है। और संचय की बात करें तो संचय वो क्वेश्चन होगा जिसमें चयन की बात होती हो, ठीक है, जिसमें सिलेक्शन की बात होती हो। यहाँ पर आज जो आप बात हम बात करेंगे दोनों के मिक्स क्वेश्चन की, क्रमचय और संचय के मिक्स क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे पहचान होगी कि ये क्रमचय का है या संचय का। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि संख्या आपका अंक 3 व 5, ठीक है, 3 व 5 अंकों से दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती हो, ठीक है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि 3 व 5 अंकों से दो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती हो। पुनरावृत्ति का मतलब कि रिपीटेशन, मतलब बार बार संख्या आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि बात करें कि यहां पर जो अंक है अपने पास वो है 3 और 5, 3 व 5, 3 व 5 से बनने वाली दो अंकों की संख्या। शायद आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो कि सर इससे बनने वाली चार संख्या होगी, एक 35, एक 53 होगा। पुनरावृत्ति होती है मतलब 3 3 2 बार आ सकता, 33 और एक 55, ये हो गई आपकी वो चार संख्या। बट यहाँ पर आपके ये अंकों की संख्या ज्यादा आ जाए, 4 या 5 आ जाए, या उससे भी ज्यादा संख्या जाए और आपसे बोला जाए 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, तब प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां से बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम कि 3 व 5 अंकों से 2 अंकों की संख्या बनाना है, तो इस टाइप को कैसे करा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहां पर अब आपका जो यूज होने वाला है 3 व 5 में, आपका यहां पर संचय स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये दो अंक है और इनमें से यदि बात करें दो अंकों की संख्या तो ये दो प्लेस होंगे, दो अंकों में ये दो प्लेस होंगे और इन दो प्लेस में पहला प्लेस जो आएगा आपका ये वाला। अब इनमें से इन दो अंकों में से एक को चुनना है, सिलेक्ट करना है, इन दो अंकों में से एक को चुनना है, एक को सिलेक्ट करना है, तो आपका जो एमसीआर वाला टाइप है वो यहां पर अप्लाई होगा। अब यहां पर टोटल संख्या कितनी हो गई, टोटल अंकों की संख्या कितनी है दो, और दो अंकों में से कितने अंक लेना है तो एक अंक लेना है, क्योंकि एक प्लेस पे एक टाइम पर एक ही अंक आ सकता है, ठीक है। अब ये प्लेस या 2C1 2C1 का मतलब ये हुआ कि ये दो अंक में से कोई सा भी एक अंक आएगा तो हो सकता है वो 3 आ जाए या 5 आ जाए। अब यहां पर आपके पास दूसरी प्लेस आती है, दूसरी प्लेस में भी देखा जाए तो आपके पास ऑप्शन दोनों खुले हुए हैं। क्यों ऑप्शन दोनों खुले हुए हैं, क्योंकि आपको इस प्रश्न बोला गया है कि पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, पुनरावृत्ति होती हो तो आपके पास यहां पर मान लो कि आपने 3 और 5 में से कोई सा एक अंक 3 ले लिया, ठीक है, या आपने 5 ले लिया। अब आपके पास सेकेंड प्लेस में जो रखने के लिए है वो दोनों ऑप्शन वापस है, हो सकता है 3 वापस आ जाए, या हो सकता है कि यहां पर 5 आ जाए, या हो सकता है कि वापस 5 आ जाए, तो इसलिए आपके पास यहाँ टोटल संख्या कितनी थी, 2 2 में से 1 निकालना, 2C1, और वापस आपके पास कितनी है, 2 ही डिजिट है, 2 ही अंक है, और दोनों में से वापस एक प्लेस के लिए एक अंक चुनना है, तो 2C1। अब 2C1 को कैसे सोल्व करेंगे, तो वैसे तो मैंने आपको फार्मूला बताया था NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपने कल देखा था। जिन्हें नहीं देखा तो पहले मेरा पिछला पार्ट देखे, पार्ट फर्स्ट, उसके बाद ही पार्ट सेकंड देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर यदि इसको सोल्व करा जाए इस टाइप से, तो यदि मैं ले लेता हूं कि 10C2, ठीक है, तो 10 n मतलब हो गया 10, 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको 10 इंटू 9 और इंटू इसको मैं 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्योंकि 10 9 8 7 6 रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और ये 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 से 5 बार कट गया, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45 आंसर हुआ। यदि इसको
एक टाइप और इस टाइप से करा जाए, कैसे करना है एनसीआर को सॉल्व यदि आपको फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। आपको ये फार्मूला जब ये एनसीआर में ही क्वेश्चन आएंगे तभी अपन अप्लाई करेंगे। फिलहाल यदि अंकों वाले आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ये लिखा n मतलब 10, ये लिखा r, r मतलब यहाँ पर वैल्यू 2, तो इसे क्या करिए आप रिवर्स ऑर्डर में कितने अंक तक, दो अंकों तक, दो संख्याओं तक ले जाइए रिवर्स ऑर्डर में, 10 को कितनी बार, दो बार, तो 10 10 के पहले क्या जाता है 9, और इसको 1 तक ले जाना है तो 2 into कितना 1, ये 2 से कैंसिल होगा कितनी बार 5 बार, और 9 into 5 कितना 43। देखिए यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, यहाँ इतना सॉल्व करने के बाद 45 आंसर आया था। तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ n की वैल्यू होगी, जो r की वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में कब तक मल्टीप्लाई करना है जितनी बार यहाँ लिखा हो। यदि यहाँ पर 4 लिखा होता तो 10, 9, 8 और 7 तक ले जाते, ठीक, और जो यहाँ 4 लिखा है उसको कहाँ तक इंटू रिवर्स ऑर्डर में 1 तक आप मल्टीप्लाई करते, ठीक। चलिए अभी फिलहाल अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है 2C1 इंटू 2C1, और 2C1 को क्या करेंगे कितनी बार रिवर्स ऑर्डर में, एक बार में दो ही आएगा, यहाँ पर 2C1 है तो क्या आएगा दो ही आएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बनने वाली कितनी संख्या है, जो इन दो अंकों से बनने वाली संख्या जिसमें पुनरावृत्ति भी होती हो, तो वो कितनी हो गई आपकी 4। सभी को आया होगा समझ में। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं जबकि पुनरावृत्ति ना होती हो, ठीक है, ये था आपका जिसमें रिपीटेशन था। अब ऐसे ही दो अंकों की संख्या बनाइए 3 और 5 से जहां अंकों का रिपीटेशन नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, तो आपको पता है ये दोनों संख्याएं कैंसिल होगी और अब आने वाला आंसर क्या होगा 2। अब ये 2 कैसे आएगा, तो सबसे पहले तो अपने पास दो अंकों की संख्या के लिए 2 ही प्लेस होगी, 2 प्लेस है। सबसे पहले यदि यहां पर लिखना चाहो या कोई यहां पर लिखना चाहे पहला अंक जो आपकी इच्छा वहां पर लिख सकते हो, पर ऑप्शन आपके पास कितने खुले हुए हैं 2, इन 2 में से एक को चुनना है तो 2C1 लिखेंगे, ठीक। अब यदि यहां पर 3 आ गया, अब उसका रिपीटेशन तो नहीं होगा ना, रिपीटेशन नहीं होगा तो अब आपके पास सिर्फ क्या बचा है 5। यदि यहां 5 लिख आ गया तो फिर बचा आपके पास क्या सिर्फ 3, मतलब जब 2 में से एक संख्या को चुन लिया है, आपने चयन कर लिया है, तो आपके पास सिर्फ एक ही अंक बचा हुआ है, या तो वो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, और एक अंक में से एक अंक को चुनने के लिए क्या करेंगे तो 1C1 क्या करेंगे 1C1, और ये 2C1 की वैल्यू अभी देखिए अपने क्या होता है, हमने 2 और 1C1 की वैल्यू क्या होती है 1, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 2, मतलब आंसर कितना होगा 2। और आपके सामने वो ऐसी दो संख्या जिसमें पुनरावृत्ति ना हो वो ये संख्या होगी 35 और 53। हुआ सभी को क्लियर? चलिए उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आएगा। और सबसे छोटा क्वेश्चन था, वैसे सिर्फ दो अंकों के लिए थे और उसी से दो अंकों की संख्या बनाना था। अब आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा 1, 2, 3, 1, 2, 5, 7 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती हो, ठीक है। हम दोनों क्वेश्चन साथ साथ में करते चलेंगे यहां पर, ठीक, यहां पर हम दोनों क्वेश्चन साथ साथ में करते चलेंगे जिसमें एक साइड देखेंगे जिसमें पुनरावृत्ति होती हो और एक में जहां नहीं होती हो। तो यहां पर होती है और यहां पर नहीं, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन एक साथ होंगे, आपको सब क्लियर होगा। अब देखिए टोटल अंक कितने आपके पास 1, 2, 3, 4 चार डिजिट है, इन 4 डिजिट से आपको कितने अंकों की संख्या बनाना है 3 अंकों की संख्या। यदि मैं आपसे बोलूं 1, 2, 5 और 7 से 3 अंकों की संख्या कौन सी हो सकती, तो एक 125 भी हो सकती है, एक 527 हो सकती है, आपका 1 72 हो सकता है, 172, ऐसी कितनी संख्याएं बना जा सकती है। पर यदि आप ऐसे बनाने बैठ गए तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा और एग्जाम ही खत्म हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। यही आपको डायरेक्ट जिस तरीके से मैंने पिछला क्वेश्चन बताया उसी टाइप से अपन देखते हैं कि इसे कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें पुनरावृत्ति होती हो, ठीक है, जिसमें रिपीटेशन होता हो अंकों का, उसको कैसे करें। तो सबसे पहले हम यहां पर वो 3 अंकों की संख्या के 3 प्लेस बना लेते हैं, ठीक। सबसे पहले इस प्लेस को भरते हैं तो यहां पर आपको एक अंक आएगा और आपके पास ऑप्शन कितने हैं
एक दो तीन चार, कितने अंक है टोटल? चार। चार में से कितना है प्लेस? एक प्लेस पर एक ही डिजिट आएगी, एक ही अंक आएगा, और चार में से एक का चयन करना है। चार डिजिट में से एक डिजिट को चयन करना है, तो क्या होगा आपका? 4C1। हुआ क्लियर सभी को? 4C1। अब मान लो कि यहां पर 1 आ गया, ठीक है, मान लिया कि यहां पर आपने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, पहली डिजिट जो यहां पर 1 हो गई। अब आगे जो सेकंड प्लेस है ये वाली, अब इसमें कौन कितने प्रकार से यहां पर चयन कर सकते हैं? तो अभी भी आपके पास चारों ऑप्शन खुले हुए हैं। क्यों खुले हुए? क्योंकि यहां पर एक और वन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि बोला गया है कि पुनरावृत्ति होती है, यहां पर भी वन, यहां पर भी वन, और यहां पर भी वन हो सकता है, इसलिए यहां हो सकता है वन आ जाए, टू आ जाए, फाइव आ जाए, सेवन, यहां पर भी वन टू फाइव सेवन में कुछ भी हो सकता है। तो टोटल कितने डिजिट थे? कितने थे? चार, और चार में से एक अंक उठाना था, तो चार 4C1 से वही है। यहाँ पर पुनरावृत्ति पॉसिबल है, हो सकती है, तो इस यहाँ पर भी आपके पास कितने अंक? चारों में से कोई सा भी एक हो सकता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 4C1, और वैसा ही यहाँ पर होगा 4C1। हुआ क्लियर? अब 4C1 की वैल्यू क्या होगी? 4 और ये कितना? 4। अब आपको इनका मल्टीप्लाई करना, 4 × 4 = 16, 16 × 4 कितना? 64। तो कितने संख्या बनाई जा सकती है? तो 64, 64 संख्या बनाई जा सकती है। ये 1, 2, 5 और 7 अंकों का प्रयोग कर 3 अंकों की संख्या कितनी टोटल? 64 बनाई जा सकती है। सभी को क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, जबकि पुनरावृत्ति नहीं होती हो, जब रिपीटेशन नहीं होता हो, तब कितने संख्या ऐसी बनेगी? तो सबसे पहले अपन वही करेंगे, प्लेस बना लेते हैं तीनों। सबसे पहले प्लेस के लिए आपके पास कितने अंक है यहां पर? चार अंक। चार में से एक को उठाना है, तो 4C1 हो गया। मान लो कि यहां पर आपने ये 2 उठाया, ठीक है, ये 4C1 में जो अंक आया, वो डिजिट आया, वो क्या है? 2। अब बात आती है सेकेंड प्लेस की, इस प्लेस में क्या 2 आना पॉसिबल है? क्या नहीं है? क्योंकि अब बात हो रही है नहीं, क्या नहीं? तो पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो यहां 2 तो आना है नहीं, तो फिर क्या होगा? तो टोटल में से ये 2 तो को अब नहीं आएगा, तो बाकी बची कितनी संख्या? 3। मतलब जो 2 के बाद देखा जाए तो कितने अंक आपके पास बचे हुए? 3, और 3 अंकों में से एक ही प्लेस फुल करना है, तो 3C1, 3 में से एक को चुनना है, चयन करना है 3C1। अब यहां पर 2 था, हो सकता है यहां पर 5 आ जाए, क्या मैं 5 आएगा क्या? नहीं हो सकता। 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। जब 2 और 5 नहीं आ सकता, तो बचे कौन? 1 और 7, और 1 और 7 में से आने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? 1 और 7, टोटल 2 ऑप्शन, और 2 में से ही 1 को चुनना है या चयन करना है, तो 2C1। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4C1 4, 3C1 3, 2C1 कितना? 2। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 = 12, 2 कितना? 24। जब पुनरावृत्ति नहीं होती हो, तो टोटल संख्या कितनी बनेगी? 24 बनेगी, और जबकि पुनरावृत्ति होती है, तो टोटल संख्या कितनी बनेगी? 64। सभी को हो गया क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद संख्या जो अंक है आपके, वो है 0, 2, 3, 6, 8। 0, 2, 3, 6, 8 अंकों से का प्रयोग कर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती हो तथा पुनरावृत्ति ना होती हो? दोनों केस में आपको आंसर याद करना है, जबकि पुनरावृत्ति होती हो और पुनरावृत्ति नहीं होती हो। चलिए देखते हैं, आप पहले खुद बनाने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, और अपना आंसर मैच करिए, क्या आपका आंसर सही होता है या नहीं, आप करने की कोशिश करिए एक बार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अंक देखते हैं कितने डिजिट है। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 डिजिट है आपके पास। कितने अंकों की संख्या बनाना है? 3। कंडीशन वही है कि एक बार वो आंसर जिसमें पुनरावृत्ति होती है, एक बार वो आंसर देखेंगे जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। अब मैं और थोड़ा सा आपको आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश करूंगा कि कैसे पॉसिबल है वो। तो सबसे पहले प्लेस ये वाली फुल करते हैं, आपके पास ऑप्शन कितने? 1, 2, 3, 4 5 डिजिट है, 5 अंक है,
और इन पांच अंकों में से यहां पर एक अंक आपको लिखना है, ठीक है। अब यहां पर यदि आपने देखा कि पांच ऑप्शन है और पांच में से एक को उठाना मतलब 5C1, और 5C1 मतलब क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, तो डायरेक्ट में डायरेक्ट अंक लिख सकता हूं, संख्या लिख सकता हूं, ठीक है, ये तीन प्लेस है आपकी। अब यदि आपने यहां पर 5C1 में से एक उठाया तो पांच प्रकार से आप इसमें से चयन कर सकते हैं, पांच प्रकार से चयन कर सकते हो। और यदि यहां पर जीरो आ गया, ठीक है, क्योंकि जीरो भी दे रखा है, जीरो दे रखा है और सेकंड में यहां दो आ गया, तीन आ गया, तो क्या है, तीन अंकों की संख्या कहलाएगी क्या, नहीं कहलाएगी, क्योंकि इन दो संख्याओं के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इस जीरो को इग्नोर करना होगा फर्स्ट प्लेस के लिए। आप इस जीरो को टोटल पांच अंकों में काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई सी भी तीन अंकों की संख्या जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती। यदि उसे आप जीरो से बनाओगे तो वो दो अंकों की दो डिजिट की संख्या कहलाएगा, इसलिए यहां पर जीरो नहीं का चुन सकते, चयन कर सकते हैं। तो रिमाइंडर जो आपके पास बचे हुए ये चार अंक में से ही एक अंक चूज करना होगा। तो यहां पर आप चार में से एक को चयन करना है, कितने प्रकार से कर सकते हो, फोर प्रकार से, चार प्रकार से। अब बात करते हैं सेकेंड वाले में, ठीक है, सेकेंड वाले की बात करते हैं। तो यहां यदि मान लिया जाए कि आपने तीन का चयन किया, अब यहां पर तीन भी आ सकती है क्योंकि पुनरावृत्ति होना है, या जीरो भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, टू भी आ सकता है। तो यहां पर ये जो पांचों अंक है ना, उसमें से कोई सा भी पॉसिबल है कि यहां पर इस प्लेस पे आ सकता है। तो आपके पास अब जो ऑप्शन ओपन है, टोटल कितने, पांचों के पांचों ऑप्शन, और पांच में से एक को चुनना है, एक का चयन करना है, तो कितने प्रकार से कर सकते हैं, 5C1, और 5C1 की वैल्यू क्या होगी, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर भी आपके पास पांचों प्लेस है, क्योंकि यहां पर यदि आपने दो का चयन किया तो यहाँ जीरो, यहां पर भी जीरो कर सकते हो, ये तीन अंकों की संख्या कहलाती है 200, ठीक। तो यहां पर भी आपके पास पांचों ऑप्शन है और पांच में से एक का चयन करना कितने प्रकार से, पांच प्रकार से। मल्टीप्लाई करते हैं 5 और 20, और 20 बन जाए कितना, 100। तो टोटल ऐसी कितनी संख्या बनेगी तीन अंकों की, 100। कितनी, 100 संख्या कुल टोटल बनने वाली है, जो आपके तीन अंकों की होगी और जिसमें पुनरावृत्ति भी होगी, ठीक। चलिए अब पुनरावृत्ति नहीं होती हो, ठीक है, जबकि पुनरावृत्ति नहीं होती हो तो वही आपकी तीन प्लेस बनाई, ठीक। सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं, यहां से, यहां पर जीरो पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो आपके पास बचे अंक कितने, चार। चार में से एक अंक उठाएंगे कितने प्रकार से, चार प्रकार से, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट प्लेस, जीरो तो लेना नहीं है, इसलिए टोटल पांच डिजिट नहीं लिए, कितने ली, चार। अब चार में से एक मान लो कि वो यहां पर दो प्लेस हुआ, ठीक है, इस प्लेस पर क्या है, दो फिट हुआ, दो अपन यहां लिख दिया। तो अब बाकी बच्चे जो देखते हैं 6, 8, 3 और 0, क्योंकि अब जीरो तो पॉसिबल है यहां, ठीक है। अब जीरो ऐसा नहीं कि यहां पर जीरो का तो 20, 20 और इधर 3 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ स्टार्टिंग जीरो नहीं हो सकता है कोई सी भी तीन अंकों की संख्या। तो यहां पर यदि दो फिक्स हो गया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, आपका पुनरावृत्ति नहीं है, तो यदि ये दो आपका हो गया है चयन इसका, तो अब इसको नहीं ले सकते। अब बाकी जो बची संख्या कितनी, चार। बाकी बचे जो उनके कितने, चार, और चार में से फिर एक का चयन करना, तो कितने प्रकार से, 4C1, और 4C1 मतलब कितना, 4, ठीक है। मान लो कि आपने ये तीन का चयन कर लिया है, तो अब तीन को वापस नहीं ले सकते, अब आपके पास कितने बचे हैं, 1, 2, 3, और तीन में से एक को निकालना है, तो 3C1, और 3C1 की वैल्यू क्या होगी, 3। तो देखिए अब इनका गुणा करते हैं, 4 × 4 = 16, और 16 × 3 कितना, 48, 48 आंसर होगा आपका, ठीक है। तो आपने देखे दोनों क्वेश्चन यहाँ पर, कि यहाँ पर अब बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ दोनों चीजें यूज हो रही है आपकी, सॉरी संचय, जहां पर अपन सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि कैसे अंकों का सिलेक्शन किया जाए, ठीक है। तो ये यदि पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, रिपीट होते हैं अंक, तो आपके 100 संख्या बनेगी टोटल, और जबकि पुनरावृत्ति नहीं होती हो, रिपीटेशन नहीं होता हो, तो टोटल जो संख्या बनने वाली कितनी है, 48। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो अगला आपका क्वेश्चन होगा, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 अंकों का प्रयोग कर पांच अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती हो और नहीं होती हो, ठीक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, अब ये आप सब सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक।
सबसे पहले पांच अंकों की संख्या पांच प्लेस बना दी, ठीक है, कितनी पांच प्लेस बन गई है। पुनरावृत्ति होती हो तो कितने ऑप्शन खुले रहेंगे, पांच, इसमें कोई जीरो जीरो नहीं है, चाहे यहां पर एक तीन पांच सात कोई सा भी अंक आ जाए आपकी संख्या यहां से स्टार्ट हो जाएगी। पांचों ऑप्शन खुले, पांच हो गई पहली पोजीशन प्लेस खत्म। दूसरे प्लेस पाएंगे तो भी पांच ऑप्शन, तीसरे प्लेस पाएंगे तब भी पांच, चौथी प्लेस पर तब भी पांच, और पांचवी प्लेस पाएंगे तब भी कितने, पांच ही ऑप्शन है आपके पास। 5C1 सॉरी पांच अंकों की संख्या पांच अंकों की संख्या, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 आप सॉल्व करिए और देखिए इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। अब जबकि पुनरावृत्ति नहीं होती है तो नहीं होती, मैं देखा आपने पांच प्लेस बनाई, कितने अंक है पांच, पांच में से एक अंक उठाना है कितना 5C1, मतलब क्या हुआ 5। अब यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं, रिपीटेशन नहीं, तो यदि आपने यहाँ पर 7 का चयन कर लिया तो 7 सेकंड प्लेस पा सकता है क्या, नहीं आ सकता। अब बचे आपके पास रिमाइंडर कितने, कितने शेष बचे हैं, वो बचे हैं चार, चार में से एक को लेना है कितनी प्रकार से, चार सेम आगे तीन रहेगा, दो रहेगा और वन रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 20, 20 या 60, 60 दो 120 और 120 एक 120, तो आंसर क्या होगा 120 संख्या बनेगी पांच अंकों की, इन संख्याओं की जबकि पुनरावृत्ति नहीं होती हो। वक्त सभी को क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन शब्द का प्रयोग कर कितने शब्द, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, जिसके जो वर्ड बनने वाले उनकी बात चल रही है, शुरू के अक्षर जो शुरुआत है, शुरुआत के अक्षरों में हमेशा स्वर हो, ठीक है। तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, फिर देखते हैं इसे कैसे किया जाए। तो सबसे पहले यदि बात करें तो इसमें स्वर देखते हैं कि स्वर कितने हैं। ई आपका एक स्वर है, यू स्वर, ए, आई, ओ, ठीक है, पांचों स्वर आपके इस इक्वेशन वर्ड में आते हैं, ई यू ए आई ओ, ठीक। अब बाकी बचे आपके व्यंजन क्यू टी और एन, ठीक है, क्यू टी और एन। अब आपको यहां पर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि आपके स्वर सभी क्या हो, स्टार्ट में हो, शुरू के अक्षर क्या हो, स्वर। तो देखिए यदि बात करें यहां पर आपका टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। देखिए यहां पर कितने हो गए टोटल, यदि ठीक है अल्फाबेट की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 8। और यदि मैं बात करूं स्वर की तो स्वर को एक बक्से में पैक करना है, और वो कितने हो गए टोटल के टोटल जितने होते हैं, पांचों के पांचों स्वर आए इस वर्ड में आपके इक्वेशन में। अब ये बोला गया है कि शुरू क्या हो, स्वर, शुरू कहां से हो, स्वर हो, तो आप टोटल स्वर कितने हैं, 5। अब यदि स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपका 8 अल्फाबेट का जो वर्ड बनने वाला है 3, 6, 7 और 8, तो यहां पर सबसे पहली पोजीशन जो होगी प्लेस होगी, यहां पर क्या आना है कंपलसरी, स्वर आना है, और स्वर टोटल कितने हो गए, 5। अब 5 में से एक स्वर को लेंगे तो कितने प्रकार से, 5C1, मतलब कितना 5। अब बाकी बची जितनी प्लेस, अब इसके लिए आपके पास यदि यहां पर ई आ चुका है, यदि आपका ई यू ए आई और ओ इन पांचों में से एक ही आया होगा, 5C1 मतलब पांचों में से रेंडमली एक उठाया और यहां लिख दिया है। अब यदि बात करें तो अब यहां आने के लिए कितने अल्फाबेट बाकी बचे, तो यदि ये ई आ चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अल्फाबेट आपके पास बचे हुए, और 7 में से इसका एक का चयन, तो कितना 7। फिर यदि वो 7 वाला जो ये हो गया तो फिर बचे कितने, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। तो ये आपका यहां पर, या फिर बोल सकते हैं कि यदि 5 में से एक का चयन किया तो 5 प्रकार से हो गया, ठीक है। अब जो बाकी बचे, कितने रिमाइंडर बचे थे आपके, शेष बचे थे 7 अल्फाबेट, और 7 अल्फाबेट को कितने प्रकार से, 7 फैक्टोरियल प्रकार से। कुछ रिपीटेशन है क्या, कोई रिपीट नहीं, रिपीट होता तो यहां पर फैक्टोरियल बना के लिखते, तो यहां पर आपका ठीक है आंसर जो आने वाला है 7 फैक्टोरियल को आप इधर सॉल्व करेंगे और उसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5।
यदि देखा जाए 3 × 6 = 24, ठीक है, 24 × 5 कितना 120, अब इधर 5 × 30 और कितना 7 × 2 = 10, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 1 = 12, फिर 1 × 12 = 24 और 1 = 25, तो टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, कितने शब्द बन सकते हैं, 25,200 टोटल शब्द बन सकते हैं, ठीक है, हुआ आप सभी को क्लियर। फिर मैं एक बार और इसको समझाना चाहूंगा आपको, इस क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि क्रमचय एवं संचय दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सबसे पहले यहां पर उसने बोला कि इक्वेशन शब्द का प्रयोग करके कितने शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसकी शुरुआत स्वर से हो, तो सबसे पहले हमने देखा 5 स्वर इक्वेशन में, बाकी 3 आपके व्यंजन हैं, तो सबसे पहले यहां पर फर्स्ट प्लेस में क्या करना होगा, इन 5 में से 1 का चयन, और 5 में से 1 का चयन किया, 5C1 मतलब कितना 5 हो गया, और फिर बाकी बचे उनको क्रम का ध्यान रखते हुए अरेंज करना था, जिसको हमने लिखा था 5 × 7 factorial, ठीक। तो यहां पर इसमें पहले चयन हुआ, फिर क्रमचय का यूज हुआ, पहले संचय फिर क्रमचय रहा, तो ये कॉम्बिनेशन है आपका क्रमचय और संचय दोनों का, और इसका आंसर कितना 25,200, ठीक है, इतने वर्ड बनाए जा सकते थे जिसमें स्वर से स्टार्ट हो। तो आज आपने ये क्लास देखी, यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जितने ज्यादा को यहाँ पर फायदा हो सकता है, ठीक है, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उन्हों को इतना फायदा होगा। लाइक जरूर करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सकता है इसे शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।